आप देख रहे हैं मामिस्तान और मैं हूँ आपकी दोस्त नाजिया। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं देसी घी, जो कि हम बिल्कुल ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक मेथड से बनाएंगे और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो ट्रेडिशनल जो मेथड होता है, जो आयुर्वेदा में प्रिस्क्राइब किया जाता है, उससे अगर आप देसी घी बनाते हैं तो उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। वो हेल्थ बेनिफिट्स की बात हम वीडियो के एंड में आपको बताएंगे। फिलहाल हम बताते हैं कि जो 5 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आयुर्वेदिक प्रिपरेशन ऑफ देसी घी में, वो क्या है। तो पहला स्टेप होता है कि दूध को उबाल कर हम ठंडा करके उसकी मलाई इकट्ठा करते हैं। दूसरे स्टेप में हम मलाई की दही जमाते हैं और तीसरे स्टेप में उस मलाई को हम मथते हैं यानी कि चर्न करते हैं, और चर्न करने के बाद उसका मक्खन निकलता है जिससे कि छाछ अलग हो जाता है, और उस मक्खन को हम फर्दर जब कुक करते हैं, पकाते हैं, तो वो क्लैरिफाइड बटर यानी कि देसी घी तैयार होता है। और ये देसी घी जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाया होता है, इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। तो आइए हमारे ट्रेडिशनल देसी घी की रेसिपी हम देखते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से देसी घी बनाने के लिए हम मलाई ले रहे हैं जो हमने 10 दिनों तक इकट्ठा की थी। इसे इकट्ठा करने के लिए हमने दूध को उबालकर उसे ठंडा करके जो मलाई की परत जमती थी उसे हम इकट्ठा करते गए एक एयर टाइट कंटेनर में, और उसे हम फ्रीज़र में स्टोर कर रहे थे ताकि हमारी मलाई जो है वो ख़राब ना हो और फ्रेश रहे। इसे हमने 2 से 3 घंटे तक बाहर निकाल दिया था और एक बड़े से बर्तन में इसे डाल दिया था ताकि जो है ये सॉफ्ट हो जाए, और हमारी मलाई जो है 2-3 घंटे के बाद काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें स्टार्टर यानी कि दही का जोरण डालेंगे, लगभग 3 से 4 छोटे चम्मच। ये आपका क्वांटिटी डिपेंड करेगा आपके कितनी मलाई आपने ली है, और इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसे हमें कर्डल करना है यानी कि दही की तरह जमाना है, तो रात भर हम इसे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे। अगले दिन सुबह हम अपनी दही वाली जो मलाई है उसको चेक करेंगे। तुम्हारी मलाई जो है वो काफ़ी उसका टेक्सचर चेंज हो चुका है, वो थोड़ी फूल सी गई है और सॉफ्ट हो गई और भी ज़्यादा। अब हम इसे चर्न करेंगे यानी कि फेंटेंगे। तो चर्न करने के लिए लगभग 5 से 7 मिनट तक अभी आपको इसे लगातार फेंटना है, और इसके लिए आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, हैंड विस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो, जो बिलौना या कोई भी टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो 5 से 7 मिनट फेंटने के बाद हम इसमें थोड़ी सी बर्फ़ डाल रहे हैं, आइस क्यूब्स। हमने 2 ट्रे आइस क्यूब की जमाई थी, तो उसमें थोड़ी सी आइस हम अभी डालेंगे। इससे हमारा जो मलाई हमारी है वो ठंडी हो जाएगी, और इसे हम मिक्स करेंगे, 2 मिनट तक फेंटेंगे। उसके बाद हम फिर से जो बाकी की बर्फ़ है वो डाल रहे हैं, एंड अगेन इसे हम फिर चर्न करेंगे यानी कि फेंटेंगे लगभग 5 मिनट तक। इससे हमारी मलाई अच्छे से ठंडी हो जाएगी, इससे बटर निकालने का प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा, बटर हमारा जल्दी निकलेगा। मैं अभी हाथ से फेंट रही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गई थी स्पून से, तो मैंने हाथ इसमें लगा दिया है। आप जैसे भी कंफर्टेबल हो वैसे इसको मथें। वैसे ये काफ़ी अभी ठंडी है, तो अगर आप अनकंफर्टेबल हो तो हाथ से फेंटना अवॉइड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर है। तो इसे काफ़ी देर तक हमने फेंटा। अब हम इसमें आधा ग्लास हमने ठंडा पानी डाल दिया है, और इसे हम थोड़ा सा फिर से इसे 2 मिनट तक फेंटेंगे। अब हम इसे फ्रीज़र में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि और ठंडी हो जाए और बटर निकालने का प्रोसेस फास्टन हो जाए। तो हमने जो है 10 मिनट के बाद फ्रीज़र से अपनी मलाई को निकाल लिया है, और इसमें हम 1 ग्लास के करीब ठंडा पानी फिर से डाल रहे हैं। अब हमारा जो मक्खन है बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब इसे 1 से 2 मिनट तक ही हम चर्न करेंगे यानी फेंटेंगे, तो हमारा मक्खन जो है वो सेपरेट हो जाएगा और छाछ वाला जो दूध वाला पानी है वो अलग हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा मक्खन जो है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है। इसे हम हल्के हाथों से प्रेस करके इसका एक्सेस जो पानी है, जो छाछ है, उसे निचोड़ देंगे। तो ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही बढ़िया सा होममेड बटर जो है, वाइट बटर, वो तैयार हो गया। इसी तरह से हम बाकी का जो बटर है उसको पानी से सेपरेट कर देंगे और ऐसे गोले बना देंगे इसके। तो ये हमारा जो होममेड बटर है वो तैयार हो चुका है। अगर आप इसको एज ए बटर अभी कंज्यूम करना चाहते हैं तो इसको आप
ठंडे पानी से इसको 5 से 6 बार आपको इस बटर को धोना पड़ेगा ताकि एक्सेस जो मलाई है, मलाई के टुकड़े हैं, वो निकल जाए और बिल्कुल फाइन बटर जो होगा वो बहुत ही अच्छा वाला बटर वो आपके पास आ जाए। लेकिन इस स्टेप को, ये धोने वाले स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें सिर्फ इसका घी डायरेक्टली निकालना है। तो हम बटर को डायरेक्टली अभी कढ़ाई में डाल देंगे। तो कढ़ाई हमने ली है नॉन स्टिक, आप कोई सी भी मोटे तले की कढ़ाई भी ले सकते हैं। इसमें हमने तेज़ आंच पर शुरू में हमें बटर को पिघलाना है और बीच बीच में चलाते ज़रूर रहें ताकि नीचे से जले ना। और 1 से 2 मिनट में या 5 मिनट में हमारा जब बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छी तरीके से, उसमें फ्रॉथ जैसा यानी झाग जैसा भी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, तब हम आँच को धीमा कर देंगे और धीमी आँच पे हम इसे 20 से 30 मिनट तक पकाएंगे या जब तक कि जो एक्सेस वाटर है इसमें वो सूख ना जाए, हमारा खोआ अलग ना हो जाए और जो हमारा घी जो है वो सेपरेट ना हो जाए। तो जो खोआ इसमें लास्ट में बचेगा, जो बची खुची मलाई का, वो ब्राउन कलर में हो जाएगा। तो लगभग 20 से 30 मिनट के बाद हमारा घी जो है वो बिल्कुल गोल्डन सा तैयार हो चुका है और खोआ सेपरेट हो चुका है और ब्राउन कलर का खोआ आप देख सकते हैं। और अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, उसे रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो हम ठंडा करने के बाद इसे स्ट्रेन कर रहे हैं, जिसके लिए हम स्ट्रेनर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा सा इसका गोल्डन कलर आया है और बहुत अच्छी सी इसकी भीनी भीनी सी माइल्ड सी खुशबू है। इसे हम एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर रहे हैं। इसे आप रूम टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हैं, इसे आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता। बस आपको कंटेनर बिल्कुल क्लीन और ड्राई आपको यूज़ करना है, इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। यह हम अगले दिन आपको दिखा रहे हैं। इसका टेक्स्चर जो है ये थोड़ी जम सी गई है, इसका टेक्स्चर बहुत ही स्मूद एंड क्रीमी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। ये वेदर के अकॉर्डिंग इसका टेक्स्चर जो है वो चेंज होता रहता है। तो हमारी ट्रेडिशनल तरीके से बनाई हुई देसी घी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसके फ़ायदों के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेडिशनल तरीके से जब आप मलाई को इकट्ठा करके उसका बटर निकाल के उसके बाद उस बटर से आप जब घी निकालते हैं देसी घी, तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, उसमें और भी ज़्यादा हेल्थ प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाती हैं। आयुर्वेदा में इसके बहुत हेल्थ बेनिफिट्स बताए जाते हैं, इसे मेडिसिनल बताए जाते हैं, यानी कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज इसे बताया जाता है और इसे प्रिस्क्राइब भी किया जाता है एज ए मेडिसिन। इसके अलावा ये हमारा जो भी खाना होता है जो हम खाते हैं उसके न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने में हमारी बॉडी में मदद करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन मौजूद होते हैं, जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ए और ENK होता है, जो कि हमारे बोन के लिए, ब्रेन के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्रोनिक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स और प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। और अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर का और सॉलिड फूड आपने स्टार्ट कर दिया है, तो देसी घी बोला जाता है, डॉक्टर्स भी प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनकी डाइट में शामिल करना चाहिए, जो कि उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा जब हम ट्रेडिशनल तरीके से बटर को क्लैरिफाई करके घी बनाते हैं, बटर को कुक करके, तो उससे जो इसमें मौजूद सीज़न प्रोटीन और लैक्टोज होता है वो रिमूव हो जाता है ऑलमोस्ट, यानी नहीं के बराबर रहता है। इसलिए डेयरी इंटॉलरेंस की जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो इसको अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया था। इनाया को बहुत सीरियस डेयरी इंटॉलरेंस की प्रॉब्लम थी जब वो 6 महीने की थी, तब मैंने एज़ पर डॉक्टर रिकमेंडेशन मैंने देसी घी को मैंने स्टार्ट किया था उसके डाइट में देना, जिससे उसको बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आई होप आपको ये ट्रेडिशनल तरीके से बनाए गए देसी घी की रेसिपी पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मॉमिस्तान को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून, बाय बाय। मॉमिस्तान को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नए वीडियोस देखने के लिए घंटे का बटन दबाना ना भूले।